तो हमने सोचनी समझे अभी लगानी ना करके थाई लगानी कह जाओ। और ये उतना दिन से भी हमने के लिपनी परवानीपुर के नाम से ही पूजा होता होला और सारा लोग खुशी से करेला। आज हम उसके दरम्यान में मंदिर बनौनी सन और टोटल लगानी हमने के मंदिर में चंदादाता लोग से लेके आज शिलालेख भी बा। आज भी हमने के रखल बन सन 5051 रुपया जो देवेला ओकरा के हमने के सदस्य बनावे के भी समिति में एगो सिस्टम नियम बनौले बानी सन। दुर्गा पूजा के चलते परवानीपुर चाहे बीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर के व्यापारी लोग के उद्योगी लोग के भी बड़ा आर्थिक भार पड़ जाता, चंदा चीठा के बड़ा दबाव में रहता लोग का कहें। एकरा पहले मतलब 2-4-5 साल पहले ये सब बात होत रहा, अभी अभी ऐसा का चंदा चिट्ठा के कोनो बात नहीं है। कोनो उद्योगपति लोग ना साबित करी कि माँ विष्णु देवी मंदिर के कोनो चंदा चिट्ठा आएल बा ऐसा का कोनो। अब अन्य लोग अगर ले जात हो तो कोनो वो लोग से भी पूछे के पड़ी, लेकिन ये विष्णु देवी के ऐसा कोनो बात नहीं। नमस्कार दर्शक बिन, अपने देख रहा बानी घंटाघर टीवी, हम बानी राधे श्याम पटेल। अभी गांव गांव में नौ दुर्गा पूजा के धूमधाम चल रहा बा, पर्व चल रहा बा। महापवनी नवरात्र के अवसर पे हर्षोल्लास के साथ में जल भर के अपने कलश यात्रा निकल रहा बा, पूजा पाठ आज से शुरू हो रहा बा। यही विषय में परवानीपुर गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 परवानीपुर बाजार में ही रहा वैष्णो मंदिर बा। वैष्णो मंदिर में एक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बानी अमर यादव जी, वहाँ से हम बातचीत करे जा रहा बानी। नमस्ते, स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। कितना खुशी के बात बा अपने लगन के परवानीपुर परसा जिला बारा जिला दोनों मिल के रो लगन संयुक्त पूजा कर रहा बानी। कब आगे आज से ना से 2049 साल से हमने के 50-49 से शुरू कई सन। और पहले तो गाँव घर में चारू ओर पहले फाइटी से लेके गाँव घर में चंदा उंदा मांग के व्यापारी लोग से पूजा करी सन। ओकरा बाद में यहाँ के इच्छा भइल अपने के इतिहास से बता देते थोड़ा देर में। तो ओकरा बाद में हमने के पूजा करे लगनी सन। पूजा कैला के बाद में सोचनी सन जब अभी यहाँ कहीं पूजा ना होते रहे कोनो टोला में ना होते रहे, तो हमने के सोचनी सन जब यहाँ एगो माँ अष्टभुजा वैष्णो देवी का स्थापना कर लाँ। और सदा जो पैसा खर्चा करते सन, लगानी करते सन टेंट में और चीज में मूर्ति ले जाके भसान करते सन, उ सब लगानी जे बात से हमने के लगाओल जाओ मंदिर बना दे जाओ। कि बिना विधि विधान बिना सिस्टम के बिना एगो संविधान देश से जेंगे चले होंगे, एगो कमिटी एगो राजस्व तीर के लाइसेंसी एगो मतलब कमिटी बना के एक चलाएम से धर्मशास्त्रा के भीतर लम टोर चली। और एगो भावना एकताई हमने के बीच में बन रही समाज में, एगो जौन जल जत्रा पूजन में निकाली लेसन, हमने के बहुत ही ज़्यादा खुशी लगेला कि पूरा समाज हमने के संगे रहेला, छोटा बड़ा जितना माई बहन लोग बा सब लोग हमने के संगे आवेला। आज भी देखी अपने कितनों पूजा होता तो जुलूस देखी ये बाजार के जुलूस जौन माई के एगो जल यात्रा में आइल बा, विशाल एगो रैली आइल बा। और टोटल खर्चा ये अपने के दुर्गा पूजा समिति में इस साल का कितना एस्टिमेट कर क्या बाकी हम कहेंगे जब कोई नहीं सन। तो अब बाद में हमने के फाइटी के चंदा उठावल बंद कर देनी सन, ओकरा बाद हमने अपने बाजार से उठा के पूजा करनी सन। अब इन्हें करिए 3-4 साल से हमने के समिति के लोग बा जौन अपने मिलावेला और पूजा करेला, कुछ समाज के लोग बा जौन व्रत करेला लोग, तो उनमें कुछ एगो मैंने राख दहल गई बा एगो दक्षिणा टाइप के जे रुआ नारियल धरी और 250 रुपया आज तक हमने लेने सन। अब एक बात तीन में बड़ी बढ़ाई कि ना बढ़ाई सस्ता हुआ अलग बात बा, मगर उसमें क्या बा कि 250 मेरे हुआ घरे करें तो 5000 में भी अभी संभव नहीं है एगो नारियल धके और अपने नवरात्रा व्रत कर दिए। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रख लो मैं लगी ना सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या बा कि बहुत लोग टिपा टिपनी कर लिया के नाच नचाव लो धर्म के काम हुए, धर्म के काम में ऐसा ना करे के चाहिए। भक्ति जगति वाला मंडली लियाई कीर्तन कराई भजन कराई बा के गीत बजाई वही से हमने के नाच साज प्रोग्राम ठकड़ाई दुनिया जारी हमें ना चलाई ने सन, जैसे कि लोग के विचार के गौरान हमने के समिति के लोग करी ने सन। कुछ आदमी कह रहा बा कि गांव गांव में अब दुर्गा पूजा के बड़ा हर्षोल्लास के साथ में बढ़ोतरी हो रहा बा संख है आ एमे अपने के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा बा 9-10 दिन में, यह पर क्या कहें। अब एमें तो हम क्या कहें कि देखिए खर्चा तो होता मगर क्या बा कि हम एक बुझी ने कि उचित खर्चा हो रहा बा हमने के समाज में कोनो ढंग से कोनो आमदनी कमाता नहीं सन दू पैसा। तो आज वेद में भी कहल गई बा, ईमान महंगे लोग कहला बुजुर्ग लोग भी कह के गई बा जो हमें से एक पैसा अगर तू डोनर कहीं कह देता रह तो सबसे बड़ा धर्म के काम होकेला, कोनो माध्यम से अगर कोनो कमाता नाजायज करके कोई मत कमाओ। माई सब के उद्देश्य शुद्ध दिल से अपना मेहनत से अपना सारा चीज़ से कमाओ और खाओ, आओ में डोनर हमने के करे
पैसा खर्चा के ढंग से ना होंगे जोड़े में अपने तो मथुरा गोकुला में बहुत खर्चा होला, यहाँ अयोध्या राम जी लला बनाओ में मंदिर बनाओ में कितना खर्चा भइल, कितना जुलूस जला। तो तमाम बाकी भारत नेपाल में हमने कहा भाई एगो हमने की संस्कृति जौन बा एगो विधि विधान बा एकरे के एगो सिस्टम मिले जाइल तो एकरे के खर्चा ना बुझ के और तमाम जगह में लोग खर्चा करता तो हम तो चाहिए कि एक जगह पूजा हो हमने के चार गो टोला बा चिकनी तक हम चाहिए समेट के कोई रिया टोला चिकनी चार पाँच गो टोला बा सब एक जगह करती सन साफ धूमधाम से मनौती सन एगो नौ दिन के व्रत बा हमने के जीवन के एगो सोचने सन के एगो उन्नति हुई प्रगति हुई ये लालसा विश्वास से हमने के नवरात्रा व्रत भी लोग करेला और कह के वो लोग के मनोकामना भी पूर्ण होला। अब यही में कहा कि अब सब चीज एक बेर ना हो जाए ओमे टाइम लगेगा हम कमाए जाने सन आठ घंटा काम करने सन भाई और एमें कहे कि हम कितना देर कमाए सुबह शाम पूजा पाठ करने सन मगर कष्ट बा जीवन के माने प्रतिफल भी ऐसे मिलेला ऐसे कहे सब लोग करो सारा लोग में एक दिन सहभागी हो को जो धन धन हो को माई के वैष्णो अष्ट पूजा वैष्णो देवी के पूजा में चाहे जहाँ भी लोग करो सब लोग खुशी खुशी करो ये हमने के चाहना रहेला। प्रधान वेदी पर बैठे वाला बरतालू बानी पुंदेव यादव जी नमस्ते स्वागत करो धन्यवाद। अपने कितना साल से व्रत कर रहा कम से कम हमने के 15-16 बरस हमरा हो गई पूरा नौ दिन एकदम विधिवत होला हमने के हाँ। हमने के कहा कि जे अष्टभुजे वैष्णवी दुर्गा मंदिर के जौन हमने के ट्रस्ट एगो दर्ता बा संस्था एगो सरकार में हमने के मगर चिनारी के रूप में बा ये एरिया में दोसर ट्रस्ट एक किस्म के मंदिर के दर्ता नहीं है जौन कि हमने के दर्ता बा। अब हमने के मगर सोच समझ के इस समाज में ये कोई निशन की एगो ट्रस्ट दर्ता हो जाए तो एगो सरकार में हमने के नाम रही जे हमने के एगो ट्रस्ट दर्ता बा यहाँ समाज से चल रहा बा हमने के सिस्टम बा कि शुरू से ही हर एक साल एगो सदस्य ए वेदी पर प्रधान वेदी पर बैठे के जकर जकर मोर सीनियरिटी के हिसाब से सीरियल के हिसाब से आ सब केहू के प्रत्येक साल बैठत बैठत अब पलहा पाल आलो पालो कह के अब ये साल हमर पालो पड़ल बा। कितना अपने चंदा दल चंदा तो हमने के अपना एथी से जौन हमने के समिति तोकेला उतना हमने के अपना से देवही के पड़ेला। इस साल के बरतालू के लिस्टिंग कोइले बनल कितना माता बहन लोग व्रत कर रहल लिस्टिंग अभी नइखे भइल शाम के हुई लिस्टिंग हमने के हां शाम के हमने के नारियल जब धराए लागी ओ बरा लिस्टिंग होला अभी तक लगे एथी में हमने के 21 सदस्य जौन मानी सन 22 सदस्य मानी सन हमने के सदस्य अपन तीरे निसन जौन समिति से निर्णय होला उतना तीर के आ पूजा पाठ शुरू करे निसन ओकरा बाद में साधारण लोग अपन अपन जौन नारियल के 250 रुपया देवेला उसे भी हमने के पूजा होला। अच्छा परवानीपुर आसपास में बहुत ज़्यादा पूजा हो रहा बा परवानीपुर बाजार में ये सब दारू भट्टी मदिरा और मांसाहारी भोजन ये सब चीज़ के प्रतिबंध लगन लगे बनी अभी हमने के आज प्रतिबंध नहीं से लगे लेकिन एकर का कहल जाला हमने के नवमी दशमी के जौन अथी तिथि होला ना तिथि पर हमने के प्रतिबंध लगावे सन हमने के तो कहम सन जो ये 10 दिन तक ले सारी लोग हमने के एगो आह्वान बा हमने के मंदिर के तरफ से जे सारी जनता लोग का करो जे एकरा के त्याग कर दो बहिष्कार कर दो इतना दिन साफ वहाँ बेचे मत दो वहाँ खोइबो मत करो कोई भी प्रत्येक व्यक्ति के अपन एमें श्रद्धा होके के चाहिए में जे ये इतना दिन तक ले मांसाहारी भोजन हमने के ना करी सन कह के बिरगज 21 परवानीपुर के किशोरी ठाकुर जी बानी आई पूजा समिति के सह सचिव पद में अभी रह के काम कर रहा बानी बहुत बहुत स्वागत बा। स्वागत बा घनश्याम जी का बाकी हमने के दुर्गा पूजा समिति आज जौन हमने के माँ वैष्णो देवी मंदिर के जौन एगो निर्माण कैलक आज जौन ये पूरा हमने के एरिया समाज परवानीपुर लिपनी ताजपुर चोरनी जितना भी सब लोग से सहयोग लेके आज जौन हमने मंदिर निर्माण कर देने सन दुखद तक हमने की लागेला कि माई के दरबार में ज़्यादा कहे के मतलब कि भीड़ होखो ज़्यादा मनोकामना पूरा होखो और सारा लोग जौन बाटे कि जे पूजा जौन जहे जहे दूसरा जगह खर्चा जौन हो रहा बा उ कहे के मतलब कि जे उ पूजा आज मंदिर में माई के जौन हमने स्थापना कैले बानी सन आज यही समाज लाइक कैले बानी सन ये समाज ये समाज हमरा ओर से आग्रह बा विनती बा कि अपने लगन मंदिर में आई माई के शोभा बढ़ाई और अपन मनोकामना पूरा करी इतने कहते हुए अपन दो शब्द रखा तनी बधाई दे तनी रउआ के कीजिए रउआ कम से कम आगे हमनी माँ वैष्णो देवी के मंदिर और हमनी के कैसो सदस्य के और यहाँ भक्तजन के कम से कम ये मीडिया में हमनी के उजागर कैनी एकरा खातिर रउआ के बधाई और शुभकामना दे तनी। आई परवानीपुर लिपनी के एक जने दलित अगुआ बानी यहाँ के जगदीश राम नाम पड़ला परवानीपुर गाँव पालिका के अभी कार्यपालिका सदस्य में भी यहाँ के निर्वाचित बानी बहुत बहुत स्वागत बा अपने के। धन्यवाद राधे श्याम जी। बहुत जगह पूजा में सुनल जाला दलित लोग के बहिष्कार कर दल गल बा ना जल भर दल जाला पूजा में ना बैठा दल जाला परवानीपुर का अवस्था का
परवानीपुर में ऐसा का कोनो बात नहीं है। जहाँ जनचेतना के कमी बा, जहाँ लोग शिक्षित नहीं है, जहाँ अपना आप के बलि समझला, वहाँ जात पात भेदभाव के बात करला। यहाँ जब तक जब से ही वैष्णो देवी मंदिर के निर्माण भइल बा, तब से हमरा भी नवरात्रि व्रत रहत कम से कम 6 साल हो गई, लेकिन 6 साल में यहाँ के हमनी के वैष्णो देवी मंदिर के जितना भी सदस्य लोग मानी लोग वहाँ लोग के इतना भी माया ममता के हिसाब से सारा लोग के माया स्नेह यहाँ सबके बाकी सब लोग नवरात्रि व्रत हमनी के ना मंदिरे में रहम सन कह के मंदिरे में हमनी के नारी रखम सन कह के वो लोग के मतलब कि वो लोग के उद्देश्य वो लोग के चाहना भी रहला। लेकिन कुछ लोग बा कि देख के जलेला कि मंदिर में काहे करता लोग कह के हमनी भी यहाँ पंडाल बना के दुर्गा पूजा करी सन कह के। लेकिन अभी अपने के बात कोनो धार्मिक संगीत प्रोग्राम रही तो उससे बहुत अच्छा लागत परवानीपुर के नाम हो है परवानीपुर नी लाल परसाई सब तमाम गांव के नाम हुई। लेकिन लोग ये बात बुझत नहीं थे अपना आप के कहते कि ना हम पूजा करम हमू हम समिति हैं हम ही पूजा करम कह के लोग के चाहना बा। लेकिन यहाँ जय माँ वैष्णो देवी के मंदिर के जितना भी सदस्य गण बानी लोग कम से कम आज तक यहाँ मैंने जिला भर के हम चैलेंज करते नहीं कि वैसन मंदिर बनाए वाला उतना अठोर सदस्य आज तक इस बड़ा जिला में भी केहू नहीं थे कि अपना से बोल्डर बीन के गिट्टी बीन के तगा ढो के उतना बड़ा मंदिर निर्माण के लिए बानी लोग।